करना वो एक बार बता देना, वो मेन है बिल्कुल सर। बिल्कुल 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 मैं बता दूंगा आपको। चलिए ठीक है, आपका कलर फास्टनेस चल रहा था, कलर फास्टनेस टू वॉशिंग। ठीक, अब देखिए कलर फास्टनेस टू वॉशिंग मैंने आपको बता दिया था किसमें होती है, लॉन्ड्रोमीटर में होती है ना। कलर फास्टनेस टू चेकिंग की मशीन कौन सी है, लॉन्ड्रोमीटर। अब लॉन्ड्रोमीटर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ड्रोमीटर क्या है, ये बक्सा टाइप का है, बॉक्स टाइप का है, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का कंटेनर होता है, कैनिस्टर होता है, उसको फिट कर दिया जाता है, उसी के अंदर आप सैंपल डालते हैं, और ये क्या होता है, ऐसे मूव करता है ना। सर स्टील वॉल्व क्यों डालते हैं हम, हाँ स्टील वॉल्व क्यों डालते हैं इसके अंदर? भैया पहुंचने दीजिए, फिर हम बताएंगे आपको स्टील वॉल क्यों डालते हैं, अभी तो जस्ट जनरल आप सीख, चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आप देखिए ये स्टेनलेस स्टील का कंटेनर है, इसी के अंदर हम अपने आप सैंपल रखते हैं, इसी के साथ हम लोग क्या रखते हैं, डिटर्जेंट डाल देते हैं। ये आपका थर्मोस्टेट बॉक्स है जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, कितने टेम्परेचर पे हमें आप वॉशिंग चाहिए, 40 पे चाहिए, 50 पे, 60, 90, 95, तो ये क्या होता है, थर्मोस्टेट कंट्रोल थर्मो बॉक्स है, इसी में हम यहाँ कनेस्टर को क्या करते हैं, कंटेनर को फिक्स करते हैं, और ये क्या करता है, रोटेट करता है। हेलो सर, क्लास ले रहा हूँ सर अभी। ठीक ठीक है सर। है, हाँ जी। अब मैंने आपको सैंपल प्रिपरेशन बता दिया था, सैंपल साइज आपका कितना होता है, 5 x 10 cm का सैंपल साइज होता है, इसी के साथ हमें, एबीसी हाँ जी एबीसी सर, हाँ, ये जो सैंपल साइज बताया आपने एटीसीसी का है ना? ये सभी के लिए है, कॉमन है, ATCC में भी यही साइज है, ISO में भी यही साइज है, IS में भी यही साइज है। ISO का 4x10 है। हाँ 4 x 10 है, कॉमन लेके चलिए 5 x 10, फोर इंटू ठीक टेन है, ATCC में भी हाँ यही है और IS में भी यही है, और मैं आपको दिखाऊंगा IS ISO 105C10, उसमें भी यही है। ठीक है, अटैच इसके साथ क्या करते हैं, हम लोग मल्टी फाइबर को अटैच करते हैं, उसका प्रॉपर हम लोग सैंडविच बनाते हैं, स्टिच बना इसको प्रॉपर, तीनों चारों साइड्स किसको क्या करते हैं, हम लोग स्टिच कर लेते हैं, समझ गए। जी सर। जी सर, अब इसमें क्या होता है, आपके देखिए कलर फास्टनेस टू वॉशिंग में जो पैरामीटर होते हैं, वॉशिंग को अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर हैं, उसमें पहला आता है आपका सोप। ठीक है, अब सोप में ही एक चीज और कवर हो जाती है आपकी अल्कलिनिटी, है ना। बहुत से डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, और कुछ डिटर्जेंट ऐसे हो जाते हैं क्या कहते हैं, अल्कलाइन पीएच पे होते हैं, समझ गए। जो मार्केट में मोस्टली अवेलेबल पीएच सोप होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्कलिनिटी होते हैं, अल्कलाइन पीएच पे होते हैं। ठीक है, उसमें सोडा ऐश की मात्रा ज्यादा होती है, समझ गए। अब देखिए दूसरा इफेक्ट क्या करता है, आपका टेम्परेचर, आप किस टेम्परेचर पे आप वॉशिंग कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक फैब्रिक लाए हैं वूल की, अब वूल की वॉशिंग आप 70 डिग्री पर करेंगे तो क्या होगा, फेडिंग शायद ज्यादा हो, है ना, हो सकता है वूल थोड़ा सा डायमेंशन उसकी स्टेबिलिटी खराब हो जाए, तो उसमें गाइडलाइन लगी रहती है। कभी भी आप शर्ट खरीदते हैं, कोई भी गारमेंट खरीदते हैं, तो शर्ट के अंदर एक सेफ्टी जी इंस्ट्रक्शन सर लिखा रहता है, यूजर्स इंस्ट्रक्शन, है ना, यूजर्स क्लियर नहीं इंस्ट्रक्शन में होगा, लिखा रहता है, क्या कहते हैं उसको, क्रीम क्रीम कंडीशन ऐसे कुछ होता है सर, केयर लेबल, होता केयर है केयर लेबल कंडीशन। होता है। ठीक है, तो केयर लेबल में ही लिखा रहता है आपको कितने डिग्री पर वॉश करना है, अंडर शेड आपको उसको ड्राई करना है, ब्रिंक उसको ब्रिंक नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे उसमें लिखे होते हैं कि आपका गारमेंट क्या हो, फैब्रिक आपका खराब ना हो, है ना। इसी तरह आपका क्या होता है, ब्लीच, ब्लीच का भी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है वॉशिंग में, कितना परसेंट हम ब्लीच लेते हैं सोप में, आजकल बहुत से मार्केट में ऐसे सोप आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी ब्लीच दिया होता है, उसमें ब्लीच को रखा जाता है। सेकेंड आपका एब्रेसिव एक्शन, जो आप बता रहे थे कि स्टेनलेस स्टील की बॉल हम क्यों डालते हैं, स्टेनलेस बिल्कुल स्टील की बॉल हम डालते हैं एब्रेसिव एक्शन के लिए, है ना, क्योंकि क्या है कि हम जब अपने बॉक्स के अंदर, कंटेनर के अंदर जब हम अपने सैंपल को डालते हैं, और सैंपल के अंदर ही हम लोग स्टील बॉल डाल देते हैं, अब क्या होता है वो रोटेट कर रहा है, अब जब रोटेट कर रहा है तो सैंपल
थ्रू ग्रेविटी क्या होगा, नीचे आएगा, समझ ना। अब जब थ्रू ग्रेविटी जब नीचे आएगा वो क्या करेगा, उसके अंदर बॉल्स उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी और क्या होगा, आपस में एब्रेजन होगा। ठीक है, जैसे आप घर पर कपड़ा धुलते हैं, घर पर कपड़ा धुलते हैं तो क्या करते हैं, एब्रेसिव करते हैं उसको, है ना। आपका फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन है, और फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन में भी एब्रेजन कैसे होता है, ग्रेविटी में। अब वो ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, समझ गए। दो तरह की वॉशिंग मशीन आती है, एक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन आती है, एक आपका फ्रंट लोडिंग आती है ना। तो फ्रंट लोडिंग में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, टॉप नीचे गिरा थ्रू ग्रेविटी, है ना। और जबकि यहाँ पर टॉप लोडिंग में क्या होता है, एब्रेजन ज्यादा होता है, वो ऐसे घूमता है और फैब्रिक एक दूसरे से क्या होते हैं, एब्रेजन करते हैं, यानी एक दूसरे से रगड़ते हैं, तब वहां पर आपके स्टेंस निकलते हैं, समझ गए। अब देखिए जो सोप हम यहाँ पे लैब में इस्तेमाल करते हैं वो कैसा होता है, WOB टाइप होता है, विदाउट ऑप्टिकल ब्राइटनर का सोप हम लेते हैं, ठीक है। अब एक बात आते हैं मल्टी फाइबर, अब हम मल्टी फाइबर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए मल्टी फाइबर इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्टेनिंग पता करने के लिए। आप कलर चेंज तो हम लोग इनिशियल फैब्रिक से और आफ्टर वॉश फैब्रिक से कलर चेंज पता कर सकते हैं, लेकिन मल्टी फाइबर क्या होता है, मल्टी फाइबर आपका दिखाता है एडजेसेंट फैब्रिक जिसके साथ आप अपना एक फैब्रिक को धुल रहे हैं उसके साथ, और कौन से फैब्रिक को हम वॉश कर रहे हैं और वो किस टाइप के फैब्रिक है। हो सकता है वो पॉलिस्टर कॉटन ब्लेंड हो सकता है वो वूल के ब्लेंड हो सकता है वो एक्रेलिक के ब्लेंड हो, है ना। तो उसी को हम लोग एक कॉमन यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं मल्टी फाइबर, है। तो मल्टी फाइबर देखिए आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है DW टाइप, नाम सुना है DW टाइप मल्टी फाइबर, और एक होता है TV टाइप। DW टाइप और TV टाइप ये दो मल्टी फाइबर आते हैं। अब DW का मतलब क्या होता है, DW का मतलब होता है डाई एसिटेट, यानी उसमें एक एक कंपोनेंट होगा डाई एसिटेट का और एक कंपोनेंट होगा वूल का, समझ गए। और ये DW का यूज हम तब करते हैं जब हमें वॉशिंग 60 डिग्री तक चाहिए होती है, यानी कि 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री टेम्परेचर की अगर हम वॉशिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम क्या लेंगे, DW टाइप का मल्टीफाइबर यूज करेंगे, समझ गए। DW टाइप का मल्टीफाइबर हम वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमारी वॉशिंग कंडीशन टेम्परेचर कितना हो, 40 डिग्री से 60 डिग्री टेम्परेचर के बीच में हो, समझ गए। DW का मीन मतलब होता है डाई एसिटेट फाइबर, एक कंपोनेंट डाई एसिटेट का होगा, दूसरा कंपोनेंट वूल का होगा। सेकेंड आपका मल्टी फाइबर आता है TV टाइप, TV टाइप का मतलब होता है ट्राई एसिटेट टाइप का, समझ गए। यहाँ डाई एसिटेट था, यहाँ पे ट्राई एसिटेट, टी मतलब ट्राई एसिटेट, डी मतलब डाई एसिटेट, वी मतलब विस्कस और W मतलब वूल, यानी वूल की जगह यहाँ पे विस्कस हो गया और डाई एसिटेट की जगह यहाँ ट्राई एसिटेट हो गया, ठीक। अब इसको कहाँ पे यूज करते हैं, हाँ जी, हाँ DW में तो रियोन का फैब्रिक होता है ना सर, नहीं होता, और नहीं होता DW में विस्कस भी नहीं होगा टाई एसिटेट भी नहीं होगा, है ना। वहां पे वूल होगा और डाई एसिटेट होगा, TV में टाई एसिटेट होगा और विस्कस होगा। और इसका कंडीशन क्या होता है, किस कंडीशन पे हम लोग TV मल्टी फाइबर का यूज करेंगे, जब हमारी वॉशिंग 60 to 95 टेम्परेचर होगी तब हम यहाँ पे क्या होगा, TV टाइप का मल्टी फाइबर यूज करेंगे, समझ गए जी सर। देखिए अब ये आपके दो तरह के मल्टी फाइबर है, DW और TV। DW वूल एसिटेट, वूल एक्रेलिक पॉलिस्टर नायलॉन कॉटन एसिटेट, समझ रहे हैं। अब यही वूल की जगह क्या आ जाता है, विस्कस आ जाता है, और डाई एसिटेट की जगह ट्राई एसिटेट आता है, समझ रहे हैं। वूल एक्रेलिक पॉलिस्टर नायलॉन कॉटन डाई एसिटेट, विस्कस एक्रेलिक पॉलिस्टर नायलॉन कॉटन ट्राई एसिटेट, समझ गए जी सर। इनका साइज क्या होता है, इनका साइज होता है 10 cm × 4 cm का, ठीक है।
अब बात आती है हम कौन से मेथड से हमें आपका वॉशिंग करनी है, किस मेथड से हमें वॉशिंग करनी है। अब वॉशिंग करेंगे तो उसमें कितना डिटर्जेंट लेंगे, कितने ग्राम कितने जीपीएल का डिटर्जेंट लेंगे, क्या उस डिटर्जेंट में अल्कलाइन डिटर्जेंट लेंगे या न्यूट्रल डिटर्जेंट लेंगे। अगर अल्कलाइन डिटर्जेंट लेंगे तो हम उसमें कितना सोडा डालेंगे, उसके साथ क्या हम कोई ब्लीचिंग एजेंट ले रहे हैं क्या, वो भी हमें पता होना चाहिए। वो मेथड बताएगा कि किस टेम्परेचर पे किस कंडीशन में हम ब्लीचिंग एजेंट लेंगे, समझ रहे हैं। अब मैं आपको एक मेथड दिखाता हूँ, ये तो कंस्ट्रक्शन डिटेल है, इस पे मत जाइए, ये उसकी मल्टी फाइबर की कंस्ट्रक्शन डिटेल है। ये आपका कॉटन है, एडजेसेंट फाइबर फैब्रिक अगर कॉटन है तो कितना जीएसएम का है, वीव कितनी है, ईपीआई कितनी है, पीपीआई कितनी है, यार्न का टैक्स कितना है, वॉर्प का कितना है, ठीक है। तो इस पे मत जाइए क्योंकि तो ये ऑलरेडी आपको स्टैंडर्ड मिलता है। अब हम आते हैं देखिए मेथड पे, आईएस का मेथड है, आईएस टेस्ट मेथड है, और लेटेस्ट टेस्ट मेथड आया है आईएस का, आईएस ऑब्लिक आईएसओ 105C10। पहले जो आईएस के टेस्ट मेथड थे वो पांच टेस्ट मेथड हुआ करते थे, IS-687, IS-3361, IS-764, 765 और IS-3417, है ना। अब इनको पूरा कंबाइन करके एक आईएस ऑब्लिक आईएसओ 105C10 बना दिया गया है ना। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, आईएस ऑब्लिक आईएसओ 105C10, इसमें क्या करता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके टेम्परेचर हमारा 95 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, समझ रहे हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, अभी नहीं सर, नहीं तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। जैसे हमारा पहला एक मेथड है, फर्स्ट मेथड आप देखिएगा जिसमें टेम्परेचर कहा हुआ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम आईएस के मेथड की बात करते हैं तो ये IS-687 का मेथड है, लेकिन आईएस लेटेस्ट मेथड की बात करें तो आईएस ऑब्लिक आईएसओ 105C10 में आता है। टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम कितना होगा 1:50 mLr, मटेरियल टू लिक्विड रेशियो 1 ग्राम पे 50 ml आपका वाटर लेंगे। अब मान लीजिए आपने कोई फैब्रिक लिया है, 5 × 10 का आपने एक फैब्रिक का एक सैंपल तैयार किया, तो 5 × 10 का टोटल वेट कितना हुआ, मान लीजिए 5 ग्राम, ठीक। अब 5 ग्राम का वेट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम कितना लेंगे, 5×5 = 25, हाँ यानी 250 ml, है ना। 250 ml पानी लिया, अब 250 ml में डिटर्जेंट देखिए, अब डिटर्जेंट कितना जाएगा, 5 ग्राम पर लीटर, समझ रहे हैं। यानी 1 लीटर में डिटर्जेंट ठीक कितना है है, आपका, 5 ग्राम, तो 250 ml में कितना जाएगा, 5/4, यानी 250 ml × 4 करेंगे तो हमारा 1 लीटर होगा, तो 5/4 करेंगे तो 250 GPL, 250 ml में आपका क्या आ जाएगा, डिटर्जेंट, समझ गए। ये तो हो गया हमारा 250 ml में कितना डिटर्जेंट होता है, कोई बताएगा 5/4 कितना आ रहा है। 1.25 सर, हाँ जी 1.25 1.25, है ना, यानी 1.25 ग्राम इसमें कितना जाएगा, डिटर्जेंट जाएगा। अब देखिए इसमें क्या सोडा जाएगा, इसमें सोडा जाएगा नहीं जाएगा, यानी ये एकदम न्यूट्रल पीएच पे हम लोग क्या करेंगे, वॉश करेंगे। इसमें स्टील बॉल्स जाएगी नहीं जाएगी, कितने टाइम हम वॉशिंग करेंगे, 30 मिनट, यानी एज पर IS-105C10 मेथड IS-687, इसको A1 कहते हैं, A1 B1, A1 B2 C3 D4 E5, इस तरह का मेथड आता है, ठीक है। कितने मिनट की वॉशिंग है यहाँ पे, 30 मिनट की वॉशिंग है, बात समझ रहे हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वॉश करना है तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए कि क्या क्या प्रोसीजर आप लोग करेंगे। कोई भी एक लोग बताइए मुझे क्या प्रोसीजर हम लोग करेंगे। फिर मेथड के अकॉर्डिंग चल रहा सर है ना, सबसे पांच बिल्कुल आप इसी मेथड जो मैं बाय बता दस रहा हूँ का ना, इसी मेथड पे आप चलिए। सर, जो आपने बताया सेम रूल फॉलो पांच बाय करेंगे। दस का सैंपल ले, हाँ जी
5 बाय 10 का सैंपल ले लिया, स्पेसिमेन ले लिया हमने। फिर आगे, उसको सैंडविच बना लेंगे, सैंडविच बना के उसके अंदर हाँ मल्टी सेट, फाइबर फैब्रिक रख कौन के, सा मल्टी फाइबर फैब्रिक रखेंगे, और डी डब्ल्यू रखेंगे या टीवी रखेंगे? डब्ल्यू डी डब्ल्यू डब्ल्यू सर रखेंगे, क्योंकि टीवी क्या होगा, हाई टीवी एंड यहाँ से यहाँ तक के लिए स्टार्ट होता है और डी डब्ल्यू भी यहाँ से यहाँ तक के लिए चलता है। और 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर करना होगा तो ये मेथड आपको बताएगा कि क्या डी डब्ल्यू लेंगे या टीवी लेंगे। ठीक है, चलिए अब तो आगे बताइए। हाँ, उसको सिलाई कर देंगे सर पहले आप साइड क्या बाय साइड। करेंगे, स्पेसिमेन को वेट करेंगे, 5 गुणे 10 का स्पेसिमेन काट के उसको वेट करेंगे, है ना, क्योंकि आपको जीपीएल भी तो निकालना है, कितना वॉल्यूम लेना लिक्विड है ना, लिकर रेशियो कितना लेना है। तो जो वेट के अकॉर्डिंग फिर लिक्विड रेशियो ले लेंगे, हाँ जी, लिक्विड रेशियो के अकॉर्डिंग फिर हमें डिटर्जेंट को कैलकुलेट कर लेंगे हाँ जी, कि कितना ML डिटर्जेंट डाल लेगा, हाँ और फिर उसको अपना 40 डिग्री टेम्परेचर सेट करके 30 मिनट्स पे चला के हाँ जी, और फिर करके सैंपल टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल 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 एकदम राइट है। ठीक है, देखिए इसी तरह बाकी करने हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सोडा नहीं लेना है, यहाँ भी सोडा नहीं लेना। आप जब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो यहाँ पे 2 GPL का हम सोडा लेते हैं, अभी भी स्टील बॉल्स हम नहीं लेते हैं। टाइमिंग हमारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 45 है, वापस जब हम आगे बढ़ते हैं तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपका सोडा कितना है, 2 GPL का सोडा है। स्टील बॉल यहाँ पे हम लेते हैं कितना, 10 10 नंबर्स ऑफ स्टील बॉल लेते हैं। टाइम यहाँ पे हमारा 30 मिनट है। फिर हम इसके सबसे विगरेस जो हम टेम्प वो कहें वॉशिंग, जो सबसे विगरेस वॉशिंग आती है वो सबसे लास्ट वाली आती है, यानी हाई परफॉर्मेंस की में जब हम जहाँ पे यूज किया जाता है वो 95 डिग्री पे 10 स्टील बॉल के साथ और 4 आवर्स की वॉशिंग होती है। समझ रहे हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो ये आप बता दीजिए मुझे, यहां तक नहीं है कोई जी कंफ्यूजन? ठीक सर, है, आगे बढ़े। देखिए हाँ अब यहाँ पे हम लोग एज पर IS और ISO 105 C10 देख रहे थे, यहाँ पे आप देखिए ATCC 61, एज पर ATCC 61 भी आपका क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 49, 71, 71 और 49। ये टेस्ट नंबर कौन सा, 1A 2A 3A 4A 5A है ना। डिटर्जेंट जी 0.37%, 0.15, 0.15, 0.15 है ना। अब इसमें देखिए अवेलेबल क्लोरीन, अब यहाँ पे हम लोग ब्लीचिंग इस्तेमाल करते हैं कितना, यहाँ पे पहले 2 वाले में कोई भी ब्लीचिंग एजेंट हम लोग नहीं लेते हैं, यानी कोई हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल नहीं करते हैं। 3rd वाले में भी हाइपोक्लोराइट नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइपोक्लोराइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं। स्टील बॉल्स, नंबर ऑफ स्टील बॉल्स 10, 50, 100, 150, इस तरह के। जब आप ATC 61 जाएंगे तो वहां पे एक चार्ट बना हुआ है जिसमें सारे कंडीशन लिखे हुए हैं, समझ गए। टाइम 1A के लिए टाइम 45 मिनट है, यहाँ भी 45 मिनट है, सबके लिए लगभग 45 मिनट का ही टाइमिंग है ATCC 61 में, समझ रहे हैं। यानी एज पर मेथड ही आपको वॉश करना है, आपसे बोला जाएगा इस फैब्रिक को एज पर ATCC 61 टेस्ट मेथड नंबर 1A के अकॉर्डिंग सिंगल वॉश पे हमें बताइए कितना फेड हो रहा है, कितना उसकी फास्टनेस आ रही है। तो आप क्या करेंगे, एक बार वॉशिंग करेंगे 45 मिनट के लिए और फिर उसको ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ड्राई करने के बाद ग्रे स्केल से उसका असेसमेंट करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू बताएंगे। ठीक है, बात समझ रहे। स्टेनिंग कितनी है वो हम देखेंगे, ये सब आप करेंगे एज पर टेस्ट मेथड। अब देखिए स्टील बॉल्स, ये स्टील बॉल्स है, ये स्टील बॉल दिख रही है आपको, ये वही है जी जो सर, बैरिंग के अंदर जो छलने मल्टी निकलते बैरिंग हैं। नट।